हेलो एवरीबॉडी, इन्वॉल्वड पढ़ने की सीरीज़ में ये है आज का हमारा लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हमें इन्वॉल्वड ऑफ हेक्सागॉन स्टडी करना है। इसके पहले जो हमने 3 लेक्चर्स कवर किए थे, तीनों लेक्चर्स में हमने इन्वॉल्वड ऑफ सर्कल पढ़े थे। अगर आपने इसके पहले के तीनों वीडियोस अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो तीनों का लिंक दिया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको तुरंत मिल जाए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें हेक्सागॉन का इन्वॉल्वड स्टडी करना है। वैसे आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे स्पेशल बात यह है कि आज हमें हेक्सागॉन का एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रॉब्लम्स कवर करने हैं। एक्चुअली इसके पहले जो हमने सर्कुलर प्लेन का इन्वॉल्वड स्टडी किए थे वो स्टडी करने के लिए हमने 3 लेक्चर्स बनाए थे, लेकिन आज हमें हेक्सागॉन पढ़ने के लिए एक ही वीडियो चाहिए, और आज एक वीडियो में हेक्सागॉन के 3 प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आखिरी तक पूरा देखिए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए वो देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, वन एंड ऑफ एन इनइलास्टिक थ्रेड इज अटैच टू द वन कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोनल डिस्क हैविंग अ साइड ऑफ 25 mm। ड्रॉ द कर्व ट्रेस आउट बाय द अदर एंड ऑफ द थ्रेड व्हेन इट इज कंप्लीटली वाउंड अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क कीपिंग द थ्रेड ऑलवेज टाइट। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन पढ़ के इतना क्लियर कट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इन्वॉल्यूट ऑफ हेक्सागॉन ड्रॉ करना है, और क्वेश्चन में ये आप प्रॉपरली चेक करेंगे कि इनइलास्टिक थ्रेड का लेंथ दिया नहीं है, सिर्फ इनइलास्टिक थ्रेड बोला है इट इज वाउंड ऑन द हेक्सागोनल डिस्क, लेकिन इनइलास्टिक थ्रेड का लेंथ दिया नहीं है। आपको अच्छे से पता है, इसके पहले के वीडियोज आपने अगर स्टडी किए हैं तो उसमें आपको बताए थे हमने कि कोई भी प्रॉब्लम में इनइलास्टिक थ्रेड का लेंथ पता होना चाहिए, लेकिन लेंथ यहाँ पे नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या करना, उसका भी सॉल्यूशन हमने बताए थे। तो अगर आपको इनइलास्टिक थ्रेड का लेंथ नहीं दिया है तो जितना भी सर्कमफ्रेंस का लेंथ निकलता है उतना ही आप थ्रेड का लेंथ लेके ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हेक्सागोनल प्लेन के ऊपर इनइलास्टिक थ्रेड बाउंड करना है, उसका लेंथ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हेक्सागोनल प्लेन का सर्कमफ्रेंस का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। जो भी सर्कमफ्रेंस का लेंथ रहेगा उसी को एज अ थ्रेड का लेंथ लेके ड्रॉ करेंगे। और ये कब करना है, जब भी कोई इन्वॉल्वड के प्रॉब्लम में अगर थ्रेड या स्ट्रिंग का लेंथ नहीं दिया है तो ही आपको सर्कमफ्रेंस का लेंथ एज अ थ्रेड का लेंथ लेके ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेक्सागोन बनाएंगे, देन आफ्टर दैट सर्कमफ्रेंस का लेंथ शो करके हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हेक्सागोन बनाते। हेक्सागोन का साइड दिया है 25 mm, तो हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए पहले तो आप सर्कल बनाएंगे, सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन आफ्टर आप हेक्सागोन बनाएंगे। तो सर्कल का रेडियस उतना ही रहेगा जितना हेक्सागोन का साइड है। हेक्सागोन का साइड दिया है 25 mm, तो सर्कल का रेडियस भी 25 mm रहेगा। तो आइए सर्कल बनाते हैं। सर्कल का रेडियस उतना ही रहेगा जितना हेक्सागोन का लेंथ दिया है। हेक्सागोन 25 mm साइड का है तो सर्कल का रेडियस 25 mm रहेगा। सर्कल ड्रॉ होने के बाद सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे फेंट, देन आप सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जहां तक आपको सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करना आता है। वैसे इसके पहले के वीडियोस में हमने बताए थे कि कैसे 12 पार्ट में डिवाइड करना। देन आफ्टर इतना होने के बाद हम हेक्सागॉन बनाएंगे। वैसे हेक्सागॉन आप कॉर्नर वाला बनाओ या एज वाला बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए हम यहाँ पे हेक्सागॉन बना रहे, सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करके हम ये हेक्सागॉन ड्रॉ कर रहे। तो इस तरह से ये हेक्सागॉन ड्रॉ हो रहा है। ये देखिए नेमिंग यहाँ पे दे देंगे, यहाँ हम देंगे ए, यहाँ बी, सी, डी, ई, देन एफ। फाइनली हेक्सागॉन हमने ड्रॉ कर लिया है, और अब इतना होने के बाद इनइलास्टिक थ्रेड जो कि क्वेश्चन में लिखा है वो हमें यहाँ पे अटैच करना है। कोई कहेगा कि इनइलास्टिक थ्रेड का लेंथ नहीं दिया है,
बिल्कुल सही। तो ऐसे में हमने बताए थे कि अगर थ्रेड का लेंथ नहीं दिया है तो जितना भी हेक्सागोनल प्लेन का सरकमफ्रेंस निकलता है वही सरकमफ्रेंस का लेंथ आप थ्रेड एज अ थ्रेड लेके आप ड्रॉ करेंगे। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले सरकमफ्रेंस यहाँ पे, और सरकमफ्रेंस के लिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप हेक्सागोन का 25 mm जो कि हेक्सागोन का साइड है वो आप कॉम्पोस में लेंगे, और वो 25 mm साइड आप यहाँ पे 6 टाइम्स कट करेंगे। तो आइए यहाँ 6 टाइम्स कट करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम, देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, देन सिक्स टाइम, ऐसे आपको टोटल 6 टाइम कट करना है। और यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, देन 6। फाइनली यहाँ पे हमने सरकमफ्रेंस का लेंथ, हेक्सागोन के सरकमफ्रेंस का लेंथ हमने शो किया है, और सरकमफ्रेंस का ये लेंथ कितना निकला है, दैट इज हमने 25 mm जो हेक्सागोन का साइड है वो लेके हमने यहाँ पे 6 टाइम्स कट करे, दैट इज 25 6, दैट इज 25 × 6, दैट इज 150 mm। तो ये टोटल 150 mm हेक्सागोन के सरकमफ्रेंस का लेंथ हमने फाइंड आउट किया है। तो जितना भी ये सरकमफ्रेंस का लेंथ है उतना ही थ्रेड का लेंथ होगा। इट मीन्स यही हमारा थ्रेड है, और ये थ्रेड का ये जो लास्ट एंड है यहाँ पे हम पॉइंट पी कहेंगे, इसको हम पॉइंट पी कहेंगे। ये जो थ्रेड है ये थ्रेड ये हेक्सागोनल डिस्क के ऊपर, हेक्सागोनल प्लेन के ऊपर ऐसा वाउंड करना है, और वाउंड करते समय उसका जो लास्ट एंड पी है उसके पाथ को ट्रेस करते हुए हमें कर्व ड्रॉ करना है। तो आइए वो ड्रॉ करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे वो देखते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ये हेक्सागोनल प्लेन के जितने भी एजेस है उनको आप एक्सटेंड कर लेंगे। जैसे ये फर्स्ट एज है इसको आप एक्सटेंड कर लो, ये सेकेंड एज है इसको भी आप एक्सटेंड कर लो, ये थर्ड एज है उसको भी आप एक्सटेंड कर लो, ये फोर्थ एज उसको भी आप एक्सटेंड करो, ये फिफ्थ एज, और ये सिक्स तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। और अब इतना होने पर क्या करेंगे, अब हमें ये पॉइंट पी के पाथ को ट्रेस करना है। तो उसके लिए क्या करना, देखो कॉम्पोस लेंगे, कॉम्पोस में 1 से P का लेंथ लेंगे। देखो ध्यान दो क्या बता रहे, 1 से लेके P का लेंथ लेंगे। आप चाहे तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 के जगह आप ABCD भी नेम दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें 1, 2, 3, 4 नहीं ABCD देना है तो वो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ABCD दे देते हैं। ये देखिए A B C D E और ये F। अगर आपको नेमिंग चेंज करना है तो आप यहाँ पे A-B-C-D-E-F- आप ऐसा भी दे सकते हैं, ये पूरा चॉइस आपका है कि नेमिंग क्या दे। 1, 2, 3, 4 दीजिए, या तो ABCD दीजिए, या तो A-B-C-D-E-F दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब देखिए, अब इतना होने पर हम क्या करेंगे, A-डैश से लेके P तक का लेंथ लेंगे। वो देखिए वहां पे P है, A-डैश से लेके P तक का लेंथ आप कॉम्पोस में लेंगे, कॉम्पोस में A-डैश से P का लेंथ कॉम्पोस में लेंगे, और उतना लेंथ ये A के ऊपर रख के ये जो लाइन है इसके ऊपर आप कट करेंगे। क्या किए, देखो A-डैश से P का लेंथ कॉम्पोस में लेंगे, और A-डैश से P इतना लेंथ लेके आप हेक्सागोन के A के ऊपर रख के कट करेंगे। देन B-डैश से P का लेंथ लेंगे, B-डैश से P का लेंथ ले लो, देन ये बी डैश ये बी के ऊपर रखो और यहाँ पे उसकी लाइन पे कट करो, देन सी डैश से पी का लेंथ ले लो, देन ये सी के ऊपर रखो, देन यहाँ कट करो, देन डी डैश से पी का लेंथ ले लो, डी के ऊपर रखो और ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ रहेगा, देन ई डैश से पी का लेंथ ले लो और ये ई पे रखो और ये यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आएगा, देन एफ डैश के ऊपर ही पी है तो ये एफ के ऊपर ही यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट का पोजिशन यहाँ आएगा। फाइनली हमने इन्वोल्यूट के सभी पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, वो लास्ट एंड के पाथ को ट्रेस करते हुए अब हमें कर्व ड्रॉ करना है। तो आइए कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ये यहाँ से निकलते हुए ये कर्व ऐसा जाएगा और वहाँ पे आके मिल जाएगा। तो ये देखिए, तो फाइनली हमने इनवॉल्यूट ड्रॉ कर लिया है, और अब यहाँ पे पॉइंट्स का नेमिंग दे देंगे। यहाँ पॉइंट पी है, देन यहाँ फर्स्ट प्लेस दैट इज P1, देन सेकंड प्लेस दैट इज P2, थर्ड प्लेस दैट इज P3, फोर्थ प्लेस दैट इज P4, देन P5 और लास्ट प्लेस यहाँ दैट इज P6। ये इनवॉल्यूट ड्रॉ करने के लिए या तो आप कॉम्पॉस, इट मीन्स जो डिवाइडर है कॉम्पॉस है, आप उसका भी यूज करके बना सकते हैं, या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करके बना सकते हैं, या तो फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अगर ये इन्वोल्यूट के ऊपर आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो भी पॉसिबल है। टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना, वो हमने
इन्वॉल्यूट के फर्स्ट लेक्चर जो हमने इसका फर्स्ट वीडियो बनाए थे इन्वॉल्यूट का, उसमें हमने स्टडी किए थे। आपको अगर वो स्टडी करना है तो उसका लिंक मैंने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से वो स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया आज के लेक्चर का फर्स्ट प्रॉब्लम, लेकिन आज हमें तीन प्रॉब्लम कवर करना है। ये प्रॉब्लम की स्पेशलिटी ये थी कि ये प्रॉब्लम में जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो नहीं दिया था, तो ऐसे में जितना सरकमफ्रेंस है उतना ही हमने स्ट्रिंग का लेंथ लेके इन्वॉल्यूट ड्रॉ किए हैं। लेकिन अब नेक्स्ट प्रॉब्लम रहेगा, उसमें स्ट्रिंग का लेंथ दिया रहेगा, लेकिन उसमें दो कंडीशंस आती है, स्ट्रिंग का लेंथ या तो सरकमफ्रेंस के लेंथ से कम रहेगा या तो ज्यादा रहेगा। तो कम रहेगा तो कैसे करना, ज्यादा रहेगा तो कैसे ड्रॉ करना इन्वॉल्यूट, वो देखते हैं। और अब आज का सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड प्रॉब्लम में क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस के लेंथ से कम रहेगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, वन एंड ऑफ एन इनइलास्टिक थ्रेड ऑफ 120 mm लेंथ इज अटैच्ड टू वन कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन डिस्क हैविंग अ साइड ऑफ 25 mm, ड्रॉ द कर्व ट्रेस आउट बाय द अदर एंड ऑफ द थ्रेड व्हेन इट इज कंप्लीटली वाउंड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क कीपिंग द थ्रेड ऑलवेज टाइट। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ के हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ दैट इज थ्रेड, इनइलास्टिक थ्रेड जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ दिया है 120 mm। लास्ट प्रॉब्लम जो हमने कवर किए थे उसमें थ्रेड का लेंथ नहीं दिया था, तो हमने बताए थे कि अगर थ्रेड का लेंथ नहीं दिया है तो जितना हेक्सागोनल प्लेन का सरकमफ्रेंस है वही सरकमफ्रेंस का लेंथ आपका थ्रेड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे थ्रेड का लेंथ दैट इज स्ट्रिंग का लेंथ दिया है जो कि 120 mm है, तो वो मार्क कैसे करेंगे और कैसे इन्वॉल्यूट ड्रॉ करेंगे वो देखिए। वैसे रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन पूरा सेम है जो फर्स्ट टाइम हमने किए थे, हेक्सागोन ड्रॉ करना है 25 mm साइड का, देन यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सरकमफ्रेंस का लाइन बनाएंगे, इट मीन्स आप हेक्सागोन का 25 का लेंथ लेके ये सिक्स टाइम्स कट करेंगे। ये बिल्कुल सेम है, नेमिंग ए बी सी डी ई और ये एफ हेक्सागोन में, देन ये ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश ये सरकमफ्रेंस का लेंथ, देन ये एक्सटेंड करना फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सभी साइड को एक्सटेंड करना, ये बिल्कुल सेम टू सेम वर्क है। और अब इतना होने के बाद यहाँ पे थ्रेड हम शो करेंगे, थ्रेड का लेंथ दिया है 120 mm, तो वो आपको यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ से आप ये देखिए, ये हेक्सागोन के यहाँ से ये एंड से आप 120 mm आप लेंगे, तो 120 ये टोटल 150 है क्योंकि ये 25 आपने 6 टाइम्स कट करे, तो ये 25 को 6 टाइम्स कट करने की वजह से ये सरकमफ्रेंस का लेंथ है 150, तो आपको 120 जो अभी जो थ्रेड का लेंथ दिया है वो हमें मार्क कर रहा है। तो यहाँ से 120 कुछ यहाँ ये देखिए यहाँ कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ कहीं ना कहीं आएगा 120, तो ये हमने 120 पे यहाँ पे हमने पॉइंट पी ले लिए, इट मीन्स हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 120 जो कि थ्रेड का लेंथ दिया है वो हमने मार्क किए। फाइनली हमने थ्रेड का लेंथ मार्क कर लिया है 120 mm। और अब इतना होने के बाद प्रोसेस टेक्निक बिल्कुल सेम जो लास्ट प्रॉब्लम में किए थे, कॉम्पोस लेंगे, कॉम्पोस में ए डैश से पी का लेंथ लेंगे, देखो ए डैश से पी का लेंथ लेंगे और हेक्सागोन के ए के ऊपर रख के आप यहाँ पे कट करेंगे, देन बी डैश से पी का लेंथ लेंगे, देन हेक्सागोन के बी के ऊपर रख के आप कट करेंगे, देन सी डैश से पी का लेंथ लेंगे, हेक्सागोन के सी के ऊपर रख के आप कट करेंगे, डी डैश से पी का लेंथ लेंगे, हेक्सागोन के डी के ऊपर रख के आप कट करेंगे, और उतना ही लेंथ लेके ये हेक्सागोन का ये डी के ऊपर रख के आप इधर भी कट करेंगे। देखो इतना ही लेंथ आप यहाँ पे आप रख के डी के ऊपर रख के कट करेंगे और उतना ही लेंथ आप इधर भी कट करेंगे। देखिए फिर से देखिए, ये डी डैश से लेके पी तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमने डी के ऊपर रखे, ये लाइन पे भी कट करें और ये हेक्सागोन के ऊपर भी कट करें, तो इस तरह से। तो अब ये यहाँ से इन्वोल्यूट निकलेगा, ये देखिए यहाँ से निकलेगा ये इन्वोल्यूट और ये ऐसा कंप्लीट होगा। तो आइए ये इन्वोल्यूट बनाते हैं ऐसा, तो देखिए हम इन्वोल्यूट बना रहे, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो फाइनली ये इन्वोल्यूट तैयार है। और अब यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, यहाँ पे अपना पॉइंट पी था, तो यहाँ से P का फर्स्ट प्लेस दैट इज P1, देन सेकंड प्लेस P2, देन थर्ड प्लेस P3, देन P4 और लास्ट में यहाँ P5, इस तरह से। और अब यहाँ पे जो थ्रेड का लेंथ दिया है वो भी हम शो करेंगे, थ्रेड का लेंथ जो कि 120 mm है, तो वो भी आप यहाँ पे शो करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर का ये सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में लिखा था एन इनइलास्टिक थ्रेड ऑफ 120 mm लेंथ इज वाउंड ऑन द हेक्सागोनल प्लेन, ड्रॉ द पाथ ट्रेस बाय द लास्ट एंड ऑफ द थ्रेड कीपिंग द थ्रेड ऑलवेज टाइट, ऐसा लिखा था। तो उसके अकॉर्डिंग ये उसका सॉल्यूशन बनेगा। और अब आज के लेक्चर का थर्ड और लास्ट प्रॉब्लम कवर करना है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम में कैसा है कि थ्रेड का लेंथ दिया रहेगा लेकिन वो सरकमफेरेंस से ज्यादा दिया रहेगा, ऐसे में क्या होता है वो देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं उसके लिए। तो देखिए आज के लेक्चर का थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा। वन एंड ऑफ एन इन इलास्टिक थ्रेड ऑफ 160 mm लेंथ इज अटैच टू वन कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागॉन हैविंग अ साइड ऑफ 25 mm। ड्रॉ द कर्व ट्रेस आउट बाय द अदर एंड ऑफ द थ्रेड व्हेन इट इज कंप्लीटली वाउंड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द डिस्क कीपिंग द थ्रेड ऑलवेज टाइट। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ के हमें फिर से इतना क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जो थ्रेड दिया है वो लेंथ है उसका 160 mm, और ये 160 mm जो थ्रेड का लेंथ है वो सर्कमफेरेंस के लेंथ से ज़्यादा है। आपको पता है कि यहाँ सर्कमफेरेंस का लेंथ 150 mm है क्योंकि ये 25 × 6 दैट इज 150 mm होता है, तो सर्कमफेरेंस के लेंथ से ज़्यादा है। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम के वक्त कवर किए थे उसमें थ्रेड का लेंथ 120 mm जो कि सर्कमफेरेंस के लेंथ से कम था, लेकिन यहाँ पे 160 mm है जो कि सर्कमफेरेंस के लेंथ से ज़्यादा है, तो वो कैसे ड्रॉ करना वो देखते हैं। रिमेनिंग टोटली सेम है जो इसके पहले किए थे, हेक्सागन ड्रॉ करना, ये ऐसे लाइंस को एक्सटेंड करना, देन यहाँ पे सर्कमफेरेंस शो करना, देन ऐसे 6 times कट करना, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। और अब यहाँ पे आप थ्रेड का लेंथ शो करेंगे जो कि 160 mm है, और वो शो करना बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ से आपको थ्रेड का लेंथ शो करना है जो कि 160 mm है, तो ये सर्कमफेरेंस के लेंथ से ज़्यादा है, ऐसे में आप क्या करेंगे, ये सर्कमफेरेंस के लेंथ को आगे एक्सटेंड कर लेंगे। ये देखिए सर्कमफेरेंस के लेंथ को आगे एक्सटेंड कर लो और सर्कमफेरेंस के लेंथ को आगे डिवाइड करो। आप एक्सटेंड तो करो, एक्सटेंड करने के साथ साथ उसको डिवाइड भी करो। डिवाइड करने के लिए लेंथ उसका वही रहेगा जो इसके पहले जो 25 mm के आपने ये जो पार्ट्स किए थे वही लेंथ आप आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, ये देखिए ये 25 mm के है पार्ट्स, तो यही एक नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट चाहे तो आप ले लो, एक दो और यहाँ पे एक्स्ट्रा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब इतना होने के बाद यहाँ नेमिंग भी देंगे। नेमिंग क्या देना है, तो देखो ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद आप फिर से ए देंगे, ए डैश बी डैश, आप चाहे तो कितनी भी बार डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल ये हमने सर्कमफेरेंस को एक्सटेंड किया है और अब यहाँ पे थ्रेड का लेंथ शो करेंगे जो कि 160 mm दिया है। तो 160 mm आप लेंथ, यहाँ से आप 160 mm आप लेंगे, तो ये 160 mm देखिए, ये 150 mm यहाँ तक था, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट, तो ये 150 mm यहाँ तक हो गया, ये 150 के 10 mm और आगे जाएगा, तो ये देखिए यहाँ तक कहीं आ रहा है, तो जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आप पॉइंट पी लेंगे। और अब इसके बाद टेक्निक वही है जो हमने इसके पहले किए थे, फिर से आप एडैश से पी का लेंथ लेंगे और एडैश से पी का लेंथ कंपोज में लेंगे, ए के ऊपर रखेंगे देन आप कट करेंगे, बी डैश से पी का लेंथ लेंगे, बी के ऊपर रखेंगे कट करेंगे, सी डैश से पी का लेंथ लेंगे, सी के ऊपर रखेंगे कट करेंगे, डी डैश से पी का लेंथ लेंगे, डी के ऊपर रखेंगे कट करेंगे, ई डैश से पी का लेंथ लेंगे, ई के ऊपर रखेंगे कट करेंगे, एफ डैश से पी का लेंथ लेंगे, एफ के ऊपर रखेंगे। देखो अब एफ के ऊपर रख के आप यहाँ भी कट करेंगे और यहाँ भी कट करेंगे, देखो यहाँ भी कट करना है और यहाँ भी कट करना है, देखो ये एफ डैश से पी का लेंथ आपने लिए, एफ के ऊपर रख के आप यहाँ भी कट करना और यहाँ पे भी कट करना, तो ये यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा, देखो यहाँ से इन्वोल्यूट का कर्व स्टार्ट होगा, ऐसे ये कुछ ऐसे कर्व स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसा घूम के ये कुछ ऐसा कंप्लीट होगा। तो आइए ये हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये देखिए हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये ऐसा घूम के इन्वोल्यूट कंप्लीट होगा। फाइनली हमने इन्वोल्यूट का कर्व ड्रॉ कर लिया है और अब यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, यहाँ पे पॉइंट पी है, देन यहाँ फर्स्ट पॉइंट दैट इज पी वन, देन पी टू, देन पी थ्री, देन पी फोर, देन पी फाइव, देन पी सिक्स और यहाँ पे पी सेवन। और अब यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ भी हम शो करेंगे, दैट इज थ्रेड का लेंथ जो कि 160 mm है, तो यहाँ पे आप थ्रेड का लेंथ जो कि 160 mm है वो भी आप शो करेंगे। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने इन्वोल्यूट ऑफ हेक्सागॉन के एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन प्रॉब्लम कवर किए हैं। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स अच्छे से स्टडी करिए और स्टडी करने के साथ साथ आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा बेटरली समझ में आएगा। तो ये फिलहाल ऐसा है, अगर आपको ये तीनों में टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं,
इसके पहले के वीडियोस में हमने बताए थे कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना, वैसे ये इनवोल्यूट का आज का फोर्थ लेक्चर था। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर इसके कवर किए थे। अगर आपने इसके पहले के 3 लेक्चर जो कि इनवोल्यूट ऑफ सर्कल के थे, अगर आपने वो नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो तीनों का लिंक दिया है, आप वहाँ से वो वीडियोज़ देख सकते हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।